गांधीनगर आईआईटीए अन्य यूनिवर्सिटी साथे मळीने गटर ट्रीटमेंट प्लांटना पाणीमां कोरोनाना आरएनए छे के नहीं ते अंगेनुं देशनुं प्रथम संशोधन कर्युं छे। आ उपरांत आ रिसर्च हॉटस्पॉट एरियामां कोरोनानी स्थिति विशे जाणवामां मदद पण साबित थई रही छे। पाणीमां कोरोनाना जीन्स मळ्या छे अने आ रिसर्च द्वारा एवी जाणकारी प्राप्त थई छे के पाणीमां कोरोना होवाथी तेनुं ट्रांसमिशन थतुं नथी। जनताने जागृत करवा माटे मददरूप बनेला आ रिसर्चे लोकोनो ए डर पण दूर कर्यो छे के आ वायरस पाणीमां 3 कलाकथी वधारे समय माटे जीवित रही शकतो नथी। आ रिसर्च द्वारा सरकार ने सर्वेलन्स माटे टेक्निक आपवामां आवी छे। कोरोना महामारी के चलते देश भर में अलग अलग तरीके की रिसर्च जारी है। वहीं अब हम मौजूद हैं आईआईटी गांधीनगर में, जहां पर देश का पहला ऐसा रिसर्च किया गया है जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी में कोरोना के आरएनए की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसको लेकर रिसर्च की गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर के अर्थ साइंस के प्रोफेसर मनीष कुमार सर से। जी सर, ये रिसर्च क्या है और क्या प्रोसीजर रहा इस रिसर्च का? जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें उनमें सिम्टम डेवलप होने से 72 घंटे पहले वो आरएनए एक्सक्रीट करने लग जाते हैं वायरस के। तो इसका मतलब वेस्ट वाटर में कोरोना के जीन 3 दिन से 10 दिन पहले तक आना शुरू हो जाता है। तो यानी आपको एक 10 दिन वन वीक से टू वीक्स का समय मिल जाता है तैयार होने के लिए, और ये आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में कंडीशन बिगड़ने वाली है कि अच्छी होने वाली या स्टेबल रहने वाली। कितना समय लगा इस रिसर्च में करने में? 51 इंस्टीट्यूट के 53 लोगों ने मिलकर एक कंसोर्सियम बनाया कि क्यों नहीं वेस्ट वाटर बेस्ड सर्वेलेंस किया जाए, क्योंकि वेस्ट वाटर पहले भी यूज होता था ड्रग को पकड़ने के लिए कि अगर किसी ने ड्रग यूज किया है तो वेस्ट वाटर में आ जाएगा, या पोलियो के लिए भी हुआ है। तो इसके लिए ये कंसोर्सियम बना, फिर हम लोगों ने प्रोटोकॉल डेवलप किया और प्रोटोकॉल डेवलप करने के बाद हमने करना शुरू किया। लेकिन लॉकडाउन था तो सप्लाई मिलना मुश्किल था, सैम्पलिंग करना मुश्किल था। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हैं अनिल भाई साहब, उन्होंने मदद किया, उन्होंने जाके हमें सैम्पलिंग करवाई, और फिर जीबीआरसी गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर के चैतन्य जोशी जी डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर माधवी जोशी, ये इन लोगों ने एनालाइज करते हैं वो आरटीपीसीआर के थ्रू। लेकिन वेस्ट वाटर का उनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमारा प्रोटोकॉल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनके लैब को आईसीएमआर का अप्रूवल भी है, तो हमने वहाँ पे किया। ये सब करने के लिए हमने 8 मई को सैंपल लिया। तो अगर आप बोलेंगे तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ यानी मार्च 12 से लेके 30 मई तक, इतना तक का समय यानी कि दो महीने लग गए। आईआईटी गांधीनगर की ये पहल जिससे पता चल सकेगा कि जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ पर कोरोना के आरएनए की कितनी एग्जिस्टेंस है और स्थिति वहाँ पर किस स्तर तक जा चुकी है, इसका पता भी हम इस जांच से लगाया जा सकता है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये रिसर्च सरकार के लिए भी और उपयोगी होगी, इस पर और काम किया जा सकता है और कई रिसर्च की जा सकती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बुराना, डीडी न्यूज अहमदाबाद।